इस बिरह आम सभा के अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस के नेता, इस क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर फिरदौस आलम जी, और इस मंच पर उपस्थित तमाम नेपाली कांग्रेस के आदरणीय नेतागण, विभिन्न क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्षगण, महासमिति सदस्यगण, महाधिवेशन प्रतिनिधिगण, और अपने नेता के रिहाई के लिए अपने आवाज को बुलंद दिखाने के लिए इस जिला के विभिन्न कोना कप्चा से इतने धूप के बावजूद भी, कार्य व्यस्तता के बावजूद भी जो भीड़ आप लोगों ने यहाँ इकट्ठा किया है, उसके लिए मैं अपने व्यक्तिगत तरफ से और अपने परोहा नगर पालिका के तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबको जय नेपाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करना चाहता हूँ। उपस्थित साथियों, जैसा कि चार वर्ष कुछ महीनों से आपके नेता को कारागार में कैद करके रखा गया है, आपको मालूम होगा कुछ गलत प्रशासन के गलत तथ्य और प्रमाण, जिन गलत तथ्य और गलत प्रमाण सबूत के आधार पर सम्मानित अदालत के द्वारा जो फैसला किया गया है, उसके प्रति नेपाली कांग्रेस और मेरा कुछ कहना नहीं है। नेपाली कांग्रेस वो पार्टी है, हम बीपी कोइराला के अनुयायी हैं। बीपी कोइराला ऐसा शख्सियत था जिन पर दर्जनों मुद्दा लगा था जब वो भारत में थे, लेकिन उन्हें इस नेपाल के अदालत पर पूर्ण विश्वास था, और दर्जनों मुद्दा लगने के बाद उन्हें फांसी की सजा भी हो सकती थी, लेकिन उन्हें अदालत पर विश्वास था, उन्हें हंसकर अपने देश को आने का फैसला किया, और वो आए और उनके साथ यहाँ की आवाम थी, यहाँ की जनता थी, और जनता के कारण ही इस सरकार को, तत्कालीन पंचायती व्यवस्था सरकार को सारे मुद्दा को हटाना पड़ा। आज मुझे पूर्ण विश्वास है जो यहाँ भीड़ है, उस भीड़ के माध्यम से मैं सरकार से लेकर सम्मानित अदालत तक इस आवाज को मैं भेजना चाहता हूँ। इस गुजराना अपील जो आप लोगों ने यहाँ आकर किया है, अपने नेता के रिहाई के लिए अपने पूर्व मंत्री आफताब आलम और उनके भाई महताब आलम लगाए, कुछ साथी जो कारागार में हैं, उनके रिहाई के लिए जो आप सब आए हैं, जो अपना हौसला बुलंद करने के लिए आए हैं, इसके लिए आपके माध्यम से यह आवाज हर देश के कोना कब्जा तक जाएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है अदालत के प्रति नेपाली कांग्रेस हमेशा अदालत को पूर्ण सम्मान करती है, और आज भी यह भीड़ अदालत के प्रति पूर्ण विश्वास और पूर्ण सम्मान करती है कि पुनरावेदन अदालत और सर्वोच्च अदालत के द्वारा आपके नेता को रिहाई मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। उपस्थित साथियों, मैं यहाँ उपस्थित कुछ यहाँ उपस्थित रोहतास जिला के स्थानीय और केंद्रीय मीडिया के साथियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा, विगत के दिन में जो कुछ हुआ उसको नजरअंदाज करके यदि आप सचमुच हम सबके अपने नेता के हिमायती है, तो आपको जिला से लेकर केंद्र तक आवाज उठाना होगा, उनका वकालत करना होगा कि आफताब आलम निर्दोष है। जो व्यक्ति पंचायती व्यवस्था से लेकर 2062-63 में जब देश में राजशाही था, तो अपने पार्टी के साथ साथ और पार्टी के नेतृत्व में भी और पार्टी को लेकर इस जिला के अधिकार के लिए, आवाम के अधिकार के लिए, हर रोजमर्रा जो जिंदगी में अधिकार होता है जनता का, उसके अधिकार के लिए हमेशा आवाज उठाया, और वैसे व्यक्ति पर इस तरह का संगीन जो चार्ज लगाया गया है वो निराधार है, और उस निराधार होने के कारण गलत प्रमाण और गलत सबूत जो इकट्ठे करके कुछ लोगों ने उन्हें जो फंसाने का प्रयास किया है, उसके लिए आपको सतर्क रहना होगा और आवाज उठाना होगा। हम नेपाली कांग्रेस के सिपाही है, हम हमेशा संयमित रहते हैं, हमेशा कानून में विश्वास रखते हैं,
हमेशा ऐन में विश्वास रखते हैं। और मुझे विश्वास है कि नेपाली कांग्रेस का नेता अफताब आलम जो हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़ा, वो किसी क्षेत्र के नेता नहीं है, वो किसी जात के नेता नहीं है, वो सब क्षेत्र के है, वो सब जात के है और सब पार्टी के भी नेता है। उनका हर फैसला पार्टी से ऊपर उठ के होता था, इसलिए आज उन्हें जरूरत है, आज उनके परिवार को वेदना है, पीड़ा है, आज दो नंबर क्षेत्र का पूरे लोग पीड़ा में, इसलिए आप सब आवाज उठाइए। और मुझे पूरा विश्वास है कि सम्मानित अदालत के द्वारा, प्रदेश का जो अदालत है और सर्वोच्च अदालत है, वो फैसला करेगा आपके अफताब के पक्ष में, माताब के पक्ष में और बाकी साथियों के पक्ष में। इसलिए आप सब मीडिया के साथी लगाए सामाजिक संजाल के माध्यम से आप लोग इस आवाज को बुलंद कीजिए और मुझे